आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट जो है इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है निकल कर आ रहा है कि पुलिस भर्ती पर जो है व्यापम का लेटर जो है आ चुका है। 6 नवंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम्स है, तो नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, सुनहरा मौका है। जो भी स्टूडेंट अभी तक जो है पुलिस भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, फाइनली आप लोगों के लिए जो है डेट अनाउंसमेंट हो गया है। 6 नवंबर का आप लोगों का एग्ज़ाम्स होगा, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, कौन कौन सी बुक आपको खरीदना है, कटअप जो है कितना जाएगा, निगेटिव मार्किंग से आपको जो है किस तरह से बचना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से सावधानी बरतते हुए जो है एग्ज़ाम्स देना है, क्योंकि मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है। आप में से हर एक स्टूडेंट जानते हैं कि आप पुलिस विभाग का जब भर्ती आता है पहले फिजिकल होता है, रिटर्न एग्ज़ाम्स होता है, हर एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, तो उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करना, आपको अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। अभी भी आप लोगों के पास जो है 1.5 महीने का टाइम है, तो 1.5 महीने में आप जो है 50 से 55 दिनों में किस तरह से प्रिपरेशन कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। और बुक लिस्ट सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है, और बुक लिस्ट के बारे में यदि आपको पता नहीं होगा तब तक आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि कितने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है। तो पुलिस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जो है 6 नवंबर को आप लोगों के लिए आदेश जो है जारी हो चुका है, तो नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है इसमें आपको बताता हूँ। तो विषय में आपका दिया गया है कि छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा हेतु निर्धारण एवं नोडल अधिकारी की नियुक्ति बाबत, तो इसमें दिया गया है कि कृपया विषय अंतर्गत अवगत होना चाहेंगे कि अतिरिक्त पुलिस जिसमें महानिदेशक नक्सल अभियान एवं अध्यक्ष सूबे 19 संवर्ग पीसी भर्ती समिति पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़, इसमें आपका जो है 8 पदों पर जो आपका होना है सूबेदार, उप निरीक्षक का विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, एसआई भर्ती परीक्षा से रिलेटेड आप लोगों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी भर्ती और अपडेट निकल कर आया है कि 6 नवंबर को जो है आपका एग्ज़ाम्स होना है और 10 बजे से लेकर 1:15 तक आपका जो है एग्ज़ाम्स होगा। तो जो भी स्टूडेंट इतने समय से काफ़ी दिनों से समय से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी महीनों से एसआई भर्ती को लेकर, तो फाइनली जो है आप लोगों के लिए डेट अनाउंसमेंट हो गया है। आगे मैं आपको बताऊँगा कि सिलेबस जो है क्या होता है ताकि आप एसआई भर्ती परीक्षा में अच्छे से स्कोर कर सकें और आपका सिलेक्शन जो है हो सके। तो इसमें दिया गया है कि COVID-19 से संबंधित जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का आपको जो है ध्यान रखना है, और परीक्षार्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जिला मुख्यालय के हायर सेकेंडरी स्कूल महाविद्यालय जहां परीक्षार्थी सुगमता पूर्वक पहुंच सके एवं जहां पानी बिजली फर्नीचर की पर्याप्त सुविधा हो परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। यानी कि आपको जो है COVID-19 का अभी भी पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का, और सैनिटाइज़र अपने साथ ले जाना है आपको, और डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर अपडेट निकल कर आया है, 6 नवंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम्स है, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। 50 से 55 दिनों का टाइम है, तो इस 50 से 55 दिनों में आपकी किस्मत बदल सकता है। चाहे तो आपकी किस्मत आपके ऊपर है, बदलना है या फिर नहीं बदलना है। यदि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, यदि एसआई बनना चाहते हैं, तो जीत और मेहनत कीजिए, अपना 100% एफर्ट लगाइए, जितना हो सके मेहनत कीजिए। आप ये सोचकर मेहनत कीजिए कि यह मौका जो है दोबारा नहीं आने वाला, क्योंकि एसआई भर्ती आप लोगों ने देखा कि 3 साल में आपका एग्ज़ाम्स हो रहा है। शुरू में फिज़िकल हुआ, फिर स्टे, और फिर उसके बाद जो है एग्ज़ाम, तो टोटल आप लोगों ने एसआई भर्ती के लिए 3-3.5 साल का इंतज़ार किया। अब इतने समय से आप लोगों ने इंतज़ार किया, तो 55 दिनों में इतने अच्छे से तैयारी कीजिए, किसी से भी मिलना जुलना सभी चीज़ों से अवॉइड कीजिए, और सिर्फ अपने स्टडी पर आपको फोकस करना है। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से बुक पढ़ना है। अगर मैं जो बताऊंगा उन बुक से यदि आप स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम जो है 100% आप क्वालिफाई कर लेंगे। और एक बात बोलना चाहता हूँ, आप टॉप करने के लिए मत पढ़ना। अगर सोचेंगे कि मैं टॉप करूँगा तो अपनी निगेटिव मार्किंग में दब जाएंगे, आपका सिलेक्शन
नहीं होगा। और कई स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे हैं कि 2 या 3 बुक से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, फिर हम एसआई भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे, प्लाटून कमांडर हो चाहे सूबेदार हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यापम के किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो 2 से 3 बुक से यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको व्यापम एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 10 से 12 बुक से आपको जो है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, तभी आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो पाएगा। 2-3 बुक से पढ़कर आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स, समसाई की घटना चक्र। तो यदि आप समसाई की घटना चक्र की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ विकास वर्ग का मासिक पत्रिका जो पेपर के फॉर्म में आता है सिर्फ आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप उसे लेते हैं विकास वर्ग का मासिक पत्रिका तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं आप, मैं बताना चाहता हूँ पिछले 1 साल का आपको जो है लेना है और अभी करंट आपको अक्टूबर तक का लेना है। यदि आप इससे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपके करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, क्योंकि आप लोग, मैं जानता हूँ कि आप में से हर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं लेकिन आपको बुक सिलेक्शन के बारे में पता नहीं होता। आप दूसरे बुक से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और जब एग्ज़ाम्स आने वाला रहता है तो बहुत ज़्यादा पब्लिशर होते हैं जो बुक पब्लिश करते हैं और उसमें दिया रहता है कि हमारे ही बुक्स जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जबकि उसमें एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आता। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले विकास वर्ग का मासिक पत्रिका, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण लेना, जिससे आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स की सभी नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसके साथ आपको आगे बताना चाहता हूँ मैथ्स के लिए, क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा में आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का आपको वस्तुनिष्ठ अंगणित लेना है। इसके साथ ही आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपको वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिकल ये सभी जानकारी दिया रहता है, जिससे आपकी रीजनिंग के प्रिपरेशन भी अच्छे से हो पाएगा। और सीजी जीके के लिए बात करें जिसमें छत्तीसगढ़ की जानकारी आपको होना अनिवार्य है, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजाति, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा। तो इसके लिए आपको हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपकी छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से नॉलेज जो है मिल जाएगा। तो आप इससे एग्ज़ाम की स्टडी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ टूटेजर ट्यूटोरियल्स का ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो है प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं, जिसमें पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन दिया रहता है, लगभग 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है जो आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। बस खुद पर आपको भरोसा रखना है, यदि आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा। कोई आप पर भरोसा करे या ना करे, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, 6 नवंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम है, बेस्ट आप लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में जो है जुट जाइए। तो अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आपको पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का।